ओम श्री गणेशाय नमः, जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एक्वेरियस साइन, जिसमें हम देखेंगे कि हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर ऑल द एक्वेरियस, ठीक है, फॉर द कमिंग वीक। पैकिंग बैग्स, गोइंग समवेयर, जर्नी, ट्रैवल, ओके, सो येस ऑफ कोर्स ये हो सकता है। मूविंग, नया चैप्टर शुरू हो रहा है, न्यू चैप्टर इज बिगनिंग, ग्रोथ, वाइटिलिटी। देखा, बेल रिंग, इसका मतलब कंफर्मेशन कि येस आपकी जर्नी यहाँ से शुरू हो रही है, यू आर मूविंग फॉरवर्ड एंड हमारे पास ग्रोथ का कार्ड दिखाई दे रहा है एंड ऑफ कोर्स न्यू डोर्स आर ओपनिंग अप फॉर यू। चलिए, ये तो होगी ओवरऑल एनर्जी किसी के लिए भी जो भी देख रहा है, चाहे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो इसका मतलब स्टडी के लिए कहीं जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, कुछ स्टार्टअप हो रहा है, कुछ भी कोर्स ज्वाइन करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो सी हाउ इट रिलेट्स टू यू। अब हम नॉट करियर, हम रिलेशनशिप की अगर बात करें, सो करंट सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर? ओके, सो करंट सिचुएशन ये है जी कि सोचा जा रहा है, कुछ डीप थिंकिंग चल रही है, इट्स अबाउट दैट, ओके, दैट यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, यू आर वेरी श्योर अबाउट समथिंग, बट स्टिल आप सोच रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, ऐसा लगता है कोई टाइम ले रहा होता है। आपकी एनर्जी क्या है? ओके, ऐसा लगता है कि ऑफकोर्स यहाँ पर हमें एक फायरी पैशनेट एनर्जी दिखाई दे रही है, जैसे आप किसी से मिलना चाह रहे हैं, किसी से बात करना चाह रहे हैं, किसी से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ऐसी वाली एनर्जी है। और मूविंग, गोइंग समवेयर, मूविंग समवेयर, यू नो, या आपका दिमाग बहुत ज़्यादा वेवर्ड कर रहा है किसी पर्सन को लेके, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, या किसी के पास ऑप्शन है, जैसे यू नो आप ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं, अगर आप ऑब्वियसली अगर आप सिंगल हैं, ठीक है, या किसी से मिलने जा रहे हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आपके पार्टनर। ओके, फोर ऑफ वॉन्ट्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अच्छा, कुछ के लिए हो सकता है ऑफकोर्स यहाँ पे हमारे पास थर्ड पार्टी एनर्जी भी आ रही है, तो इसका मतलब हो सकता है कि ये पर्सन कुछ के लिए, देखिए नॉट फॉर एवरीबडी, सो नो ऑफेंसेस, ओके, जिनके लिए है वो समझ जाएंगे कि आप ऐसे किसी कनेक्शन में है जहाँ पे आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है, बच्चे हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। बट बाकी सबके लिए इट्स गेटिंग मैरिड, ठीक है, या कुछ चल रहा है, कुछ हो रहा है एंड आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस चीज़ में, या आपकी खुद की ही शादी है और आप आगे यू नो लाइक यू थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड और स्टेबिलिटी, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। अच्छा, इस पर्सन की ऑफकोर्स इंटेंशंस ये है कि लव है, सो मच ऑफ लव, पैशन, इमोशन, ठीक है, एंड ऑफकोर्स यहाँ पे हमारे पास एक्सपेंशन का मोड दिखाई दे रहा है, लाइक मूविंग फॉरवर्ड, ग्रोथ, ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बाकी सबके लिए मैं आपको बता दूँ, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो लोग एक थर्ड पार्टी कनेक्शन में है, ऑफकोर्स ये हो सकता है, सिंगल्स की बात हम सोच रहे थे यहाँ पे कि हाँ सिंगल्स आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, या तो रिश्ते देख रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं, बट फॉर दोज जो एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में, एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में, मुझे ऐसा लगता है कि यस यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है ना, कि कुछ चीज़ें डिले हो रही हैं या टावर मूवमेंट हो रहा है, या आप अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे हैं, या आपके पार्टनर आपको अवॉइड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे की सिचुएशन पता है, ठीक है, टेन ऑफ कप्स, तो फाइनली यू विल मीट, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, बट थोड़ा सा डिले हो सकता है, ये चीज़ हो सकती है, ओके, या थोड़ा सा आगे पीछे, ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। चलिए, ये तो हो गया लव लाइफ का। थोड़ा सा और अगर हम क्लैरिफाई करें तो एक्वेरियस के लिए लव लाइफ ऑफ कोर्स कि क्या, ओके, लव योर सेल्फ फर्स्ट, फाइनेंसेस एंड करियर, जॉब पे, ठीक है, अपनी जॉब पे फोकस करना दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और फाइनेंसेस एंड करियर एंड जॉब, तो कुछ लोग हो सकता है करियर को लेके भी, बट बिकॉज दिस इज लव रीडिंग, सो हो सकता है ये चीज़ें, एंड फाइनेंशियल फैक्टर्स भी हो सकता है कि यू नो लाइक डोंट बी को डिपेंडेंट फाइनेंशियली, हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप के और आपके पार्टनर के बीच में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। हमारे पास यहाँ पे सेपरेशन का भी कार्ड आ रहा है, ठीक है, तो अगेन वही चीज़ है कि कुछ लोग हो सकता है कि अपने पार्टनर से अलग हो रहे हैं फॉर सम टाइम, अलग इन द सेंस कि मतलब कुछ टाइम के लिए आप अलग रह रहे हैं, वो अलग रह रहे हैं, बिकॉज यहाँ जर्नी भी है, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी भी हमें दिखाई दे रही है, और फिर गेटिंग बैक टुगेदर, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें एक्वेरियस के लिए दिखाई दे रही हैं, या
एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों को एक दूसरे को टाइम देने की ज़रूरत है, आप दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है, तभी ये रिलेशनशिप स्ट्रांग हो सकता है, स्पेशली फॉर दोज हस्बैंड वाइफ या जो ऐसे कनेक्शन में हैं। बॉन्ड जिसे कहते हैं वो स्ट्रांग तब होगा जब आप एक दूसरे को टाइम देंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ। तो वो चीज़ यहाँ मिसिंग हमें दिखाई दे रही है। ओके, अगर हम करियर की आप बात करें, कैसा रहेगा करियर? करियर वाइज न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट। ओके, कोई न्यू जॉब है या कुछ है नया जो आप सोच रहे हैं कि क्या आपको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, लाइक ऑफ कोर्स कुछ नया है, ये नहीं तो वो पिक करेंगे, ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है हमें एक्वेरियस के लिए, ठीक है, कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा। इट्स अबाउट लाइक यू नो, यहाँ पे फिशेज हैं ऑपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब ये है कि आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं या किसी चीज़ को लेकर सोच रहे हैं या कोई आइडिया आया है और आपको लगता है कि क्या ऐसा करना चाहिए, ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। बट यू आर अ विनर, ठीक है, एंड यू आर गोइंग टू विन एट एनी कॉस्ट, और आई थिंक वो वाली एनर्जी है, बिकॉज मनी मनी हमें अच्छी लाइक मनी कमिंग इन, फ्लोइंग इन, ठीक है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट यू नो कि आपने इस चीज़ पे एफर्ट किया है तो आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। कोई नई जॉब पकड़ी है, कुछ टाइम देते हैं तो ऑफकोर्स उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, और प्राइस जैसे हम कहते हैं प्राइस मनी, गेटिंग प्राइस या जो आपने एफर्ट किया है तो यू नो तो उसका आपको लाइक रिवॉर्ड मिल रहा है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और हो सकता है लेटली आप किसी बात को लेकर निराश थे, उदास थे, बट दिस थिंग इज लाइक यू नो गेटिंग चेंज, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कुछ एंड होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। टेन ऑफ सोर्ड्स इज ऑल्सो अबाउट एंडिंग, या कुछ खत्म हो रहा है, आगे की तरफ आप बढ़ रहे हैं, कुछ ग्रोथ की तरफ आप बढ़ रहे हैं। ऑफकोर्स यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जर्नी का भी कार्ड आया है तो ऑफकोर्स आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये कुछ लोगों के लिए नई जॉब भी हो सकती है। ओके, गाइडेंस क्या है रिलेशनशिप और करियर के लिए? ओके, रिलेशनशिप वाइज अगर हम बात करें, मोमेंट टू मोमेंट द बर्डन। ओके, सो डोंट कैरी अ बर्डन, आगे की तरफ बढ़िए, ठीक है, ये हमें दिखाई दे रही है गाइडेंस। और करियर वाइज स्पेशली हमें दिखाई दे रहा है डोंट कैरी बर्डन, एक्स्ट्रा बर्डन ऑन योर शोल्डर्स, ठीक है, अपना काम कीजिए, लोगों के मत सुनिए, ठीक है। अगर आपको आगे जाना है तो स्ट्रेस मत लीजिए, स्ट्रेस फ्री होके चलिए, पुराने लगेज को पीछे छोड़ के, डोंट लिसन टू पीपल, ठीक है, अपनी अपनी सोच समझ से आगे बढ़िए, ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। फॉर एंड यू आर अ फ्री बर्ड, ओके, तो आप फ्री हैं, आप अपने डिसीजंस खुद लीजिए। और अगर हम रिलेशनशिप सेक्टर की बात करें, इट्स अबाउट अगेन टू ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है जंगलिंग, इधर उधर इधर उधर, तो आपको भी देख है कि ये किस साइड से हो रहा है, आपकी साइड से या आपके पार्टनर की साइड से। बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, जो है आगे पीछे का छोड़ दीजिए, आगे का ज़्यादा दूर का आप कुछ नहीं सोच सकते हैं, तो अभी व्हाट इट इज़, ठीक है, अभी क्या इंपॉर्टेंट है, क्या है, उस पर ध्यान दीजिए। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी, एंड मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर।